अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। देहरादून कैंट विधानसभा, यहाँ से 8 बार से एक ही पार्टी का प्रतिनिधित्व रहा है, उसके बावजूद हर बारिश के बाद यहाँ के लोगों के घरों में पानी भरता है, नाले का पानी ओवरफ्लो होता है, बच्चे मलिन बस्तियों के लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, उनके बच्चे डायरिया की बीमारी, डेंगू की बीमारी से ग्रसित होते हैं, और ये साल दर साल समस्या चली आ रही है। क्या इसका समाधान नहीं हो सकता है? ऐसी कौन सी समस्या है 2021 में टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जिसका समाधान नहीं हो सकता है? लेकिन नियत चाहिए करने की। हर गर्मी में पीने के पानी जितनी जरूरत है उतना लोगों को नहीं मिलता है। विधायक जी के हल्ले मचाते हैं तो एक पानी का टैंकर भेज दिया जाता है, वो 2 घंटे के लिए लोगों की प्यास बुझा सकता है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, फिर अगले साल फिर लोग परेशान होंगे। हमें इन समस्याओं का स्थायी समाधान करना है। इस क्षेत्र में इतने साल तक प्रतिनिधि होने के बाद एक ही पार्टी का आज तक एक बड़ा सरकारी अस्पताल लोगों के पास में नहीं है। हमने कोरोना की बीमारी देखी, हमें पता है सरकारी सुविधाओं का आपके नजदीक में होना कितना जरूरी है, लेकिन लोगों को मजबूरन जब भी कोई बात हो जाती है एकदम दून अस्पताल भागना पड़ता है। आपके पास में मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है, यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी आज तक नहीं है इस विधानसभा में, मेरे को एक सरकारी विश्वविद्यालय यहाँ पे बनाना है, और ये सारे काम जो है हमारे को आपकी मदद के बिना हम नहीं कर सकते हैं। और हम मातृशक्ति सम्मान समारोह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक महिलाएं ही हैं जो इन लोगों को अब सबक सिखा सकते हैं। मेरा नाम मधु है, बट ऐसे नहीं इस बार देखने को मिले, ऐसे नहीं कभी हमारी सत्ता ऐसे भी हमने आज तक तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए।